नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आर के मनी क्रिएटर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण जो नए यूजर होते हैं, जो नए फ़ोन ख़रीदने वाले होते हैं, नए फ़ोन ख़रीद कर वो ज़्यादातर परेशान होते हैं। वो कैसे, ना तो वो अपना यूट्यूब चैनल चला पाते हैं, ना ही प्ले स्टोर का यूज कर पाते हैं, या फिर अगर उन्हें कोई बैंकिंग संबंधी ऐप भी इंस्टॉल करना है तो उसमें रजिस्टर करने के लिए उस चीज़ की उन्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बिना ना हम यूट्यूब चला सकते हैं, ना ही प्ले स्टोर का यूज कर सकते हैं, और ना ही कोई बैंकिंग ऐप का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग करें तो वहाँ भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कि उसका नाम है जीमेल आईडी आपकी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके ज़रिए ही आप लोग क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब भी यूज कर सकते हैं, अपना फेसबुक में भी यूज कर सकते हैं, और प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि कैसे जीमेल अकाउंट ओपन करें। तो जो हम नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो सबसे पहले मोबाइल में एक ऑप्शन, एक ऐप मिलता है हमें जिसका नाम होता है जीमेल। तो सबसे पहले हम जीमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आता है, उसमें लिखा रहता है न्यू इन जीमेल ऑल द फीचर्स यू लव विद अ फ्रेश न्यू लुक। तो ना इन नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है गॉट इट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है आपका, नीचे आएगा ऐड अनदर ईमेल एड्रेस, इसके बाद क्लिक करेंगे गूगल पर। हो रहा है जीमेल आईडी आजकल बहुत ज़रूरी है, और जो नए यूजर्स होते हैं, जो इंटरनेट पर आते हैं नई आशाएँ लेकर कि किस प्रकार अर्निंग करें या किस प्रकार हम प्ले स्टोर से नए नए ऐप यूज करें, उनको गेम खेलें, तो उसके लिए जरूर पड़ता है जीमेल आईडी। तो यहाँ से पहले आ गया सिग्न इन यूज योर गूगल अकाउंट। अगर पहले से आपका अकाउंट है तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर डाल के अपने करके जा सकते हैं। लेकिन नीचे दिया है क्रिएट अकाउंट, तो हमें इस पर क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर। अब जे फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए बनाना है आपका ईमेल आईडी, या टू मैनेज माई बिजनेस, या आपका कोई बिजनेस है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं माई सेल्फ के लिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो टू मैनेज माई बिजनेस के लिए भी आपको एक ट्यूटोरियल बना के डाल देंगे। तो हम क्लिक करेंगे फॉर माई सेल्फ, जी आ गया। अब यहाँ पर एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम डालना है आपको। इसमें हम डालते हैं यहाँ डालते हैं क्रिएशन, ये हो गया फर्स्ट नेम मनी, दूसरा हुआ क्रिएशन। इस प्रकार अपना नाम डाल सकते हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद भरना डेट ऑफ बर्थ, डे आप भर लीजिए, जैसे मैं भरता हूँ फर्स्ट डे, मंथ भर लीजिए जनवरी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से भर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ 1995, ओके। जेंडर, अगर आप लड़की हैं तो फीमेल, लड़का है तो आप मेल भर सकते हैं। और इसके अलावा रेदर नो सो, चलो हम डाल लेते हैं, मेल पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, इसके आगे देखते हैं क्या ओपन होता है। हाँ, अब ये आगे आपके लिए एक ऑप्शन दे रहा है कि किस प्रकार चूज योर जीमेल एड्रेस, पे का जीमेल एड्रेस और क्रिएट योर ओन। इसमें से आपको कौन सी आईडी अच्छी लग रही वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये है आपका क्रिएशन मनी @gmail.com, दूसरा है मनी क्रिएशन @gmail.com। अगर आप कोई दूसरी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट योर ओन जीमेल भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सेकंड वाली इस पर क्लिक करते हैं, ये हमें अच्छी लग रही है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा बनाना है कि उसमें आपका कैपिटल लेटर भी आ जाए, स्मॉल लेटर का आ जाए, और कुछ अंक भी आ जाएं। तो चलो बना लेते हैं पासवर्ड मनी
@1234। ओके नेक्स्ट, इसे ही अब दोबारा भरना जो भी हमने डाली है, MONEY@1234। यस ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। एड योर फोन नंबर, अब फोन नंबर मांग रहा है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं इसे स्किप कर सकते हैं। फोन नंबर अगर डालना चाहते हैं, जी बन गया आपकी moneycreation42@gmail.com। क्लिक करते हैं नेक्स्ट। प्राइवेसी एंड टर्म एंड कंडीशन को, इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, मोर ऑप्शन दिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या करना है आपके लिए, यहाँ क्लिक करना है आई एग्री। लगभग आपकी जीमेल आईडी बनकर तैयार हो चुकी है, अब आप लोग आराम से बना सकते हैं बड़ी आसानी से। इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए थोड़ी बस बने जा रही है। चलिए हमारी ईमेल आईडी बन चुकी है, यह आपकी मनी क्रिएशन।